फर्स्ट ईयर की क्लास में कॉकरोच पढ़ रहे थे, तिलचिट्टा। तिलचिट्टा में आज पढ़ना था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। नाम सुना होगा मनुष्य में विलियम हार्वे का, लेकिन वहां पर नहीं बात करना अभी, क्योंकि अपन लोग कॉकरोच पढ़ रहे हो। कॉकरोच में आपने आर्थ्रोपोडा में करेक्टर पढ़ा था, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, ओपन टाइप का। डिफरेंस क्या है ओपन और क्लोज्ड में? क्लोज्ड का मतलब अपन लोगों में क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, जबकि कॉकरोच में ओपन टाइप का होता है। मीन्स ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स में ब्लड नहीं बहता, धमनियों, सिराओं या नलिकाओं से होकर ना तो ब्लड जाता है और ना ब्लड वापस आता है। जबकि अपन लोगों में या क्लोज टाइप के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में उन्हें ब्लड वेसल से ब्लड जाता है और वापस आता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉकरोच में जब ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो ये फिर कैसे, ये जैसे आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा में तीन भागों बटा होता है, सिर, वक्ष, उदर, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसी प्रकार से क्वार्टर होते हैं, साइनस होते हैं, एक डिब्बा रेल का, दूसरा डिब्बा, फिर तीसरा डिब्बा, फिर चौथा डिब्बा, फिर तीन चार डिब्बों में थोक का थोक जाता है। और ये फिगर है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का इतने ढेर सारे नाम है, देखिए क्या क्या है। ये है इसका हेड, कॉकरोच का हेड है, आपको पता है हाइपोकिनेसिस कंडीशन होती है, 90 डिग्री एंगल पर नीचे की ओर झुका रहता है, हेड पार्ट है। हेड में इसका दूसरा क्या है, थॉरेक्स, सिर, वक्ष। थॉरेक्स में तीन भाग होते, प्रो, मीजो, मेटा। और एब्डोमन जो उधर वाला भाग है उसमें मेल में कितने, 9, फीमेल में 7 स्पष्ट सेगमेंट दिखाई देते, कुल 11 होते। इस प्रकार से ये तीनों भाग में डिवाइड है। पूरे में ये डिब्बों में, डिब्बों का मतलब है पेरिमीजल साइनस, एक डिब्बा कोटर, पेरी विसरल साइनस दूसरा कोटर है, दूसरा डिब्बा, और पेरी न्यूडर, पेरी विसरल, और ये तीन भागों में डिवाइड है क्या इसका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। कॉकरोच का परिसंचरणी तंत्र क्या होता है, अल्प विकसित होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स में ना ब्लड बह करके कहा किसमें, ब्लड साइनस में भरा रहता है। इसकी कैविटी को हीमोसील तथा ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। जो हीमोसील है, सीलोम वास्तविक नहीं होती है, ये विशेषता है। हीमोसील की विशेषता सुन लीजिए, हीमोसील ये कैविटी लेकिन वास्तविक नहीं होती है, आगे चल के वो कैसी हो जाती है, शॉर्ट में छोटी हो जाती है। इसकी हीमोलिम्फ भरा रहता है, हीमोसील में हीमोलिम्फ भरा रहता है, और जो ब्लड होता है पेरिकार्डियल साइनस, पेरिविसरल साइनस और पेरिन्यूरल साइनस, यानी तीन चैम्बरों में से होकर के ब्लड क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। पेरिकार्डियल, पेरिविसरल, यहीं पर देखिए और भी कुछ नाम, ये जो दिख रहा है ये डायफ्राम, ये क्या है इसका डायफ्राम है, जैसे अपने नहीं लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे दो ऐसे होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, इन्हीं के द्वारा ब्लड एक साइनस से दूसरे साइनस में जाता है। ये देखिए बाल है, ये जो ये संरचना दिख रही है, ये बाल की बाल है, अपने शरीर में भी वो सेमी ल्यूनर बाल, बाइकास बाल, ट्राइकास बाल, उसमें अलग अलग संधि, ये ऊपर ऐसे ढेर सारे बाल में, बाल में भी क्या है छिद्रे, ऑस्टिया। और ये जो झाड़ू जैसी रचना दिख रही है, ये एलवी मसल्स, ब्लड को सफाई करती जाती है, आगे बढ़ाती जाती है, जैसे ये वो पतवार का काम होता है, नाव वाला पतवार से पानी को धक्का देता है, ऐसे ये क्या करती है, एलवी मसल्स ब्लड में से फिल्ट्रेशन करती है और आगे बढ़ाती जाती है। क्या नाम है, एलवी मसल्स। और हार्ट चैम्बर, यहाँ पर क्या है, ये हार्ट चैम्बर, बाल, हेड, एलवी मसल्स, ऑस्टिया, वेंट्रल डायफ्राम, ये वेंट्रल डायफ्राम है, ऊपर जो क्या है डोर्सल डायफ्राम, ऊपर की ओर होगा डोर्सल डायफ्राम, नीचे की ओर होगा वेंट्रल डायफ्राम। देखिए इसमें, इसके बाद और भी है,
तीन तो हम बता ही चुके, पेरिमिनल साइनस, पेरिविसरल और पेरिकार्डियल। तीन प्रकार के डिब्बों से ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूवमेंट करता है। अब इसमें थोड़ी सी हार्ट के बारे में भी सुन लेना है। कॉकरोच की डॉर्सल सरफेस से ऊपर का जो टर्गा होता है, टर्गा को हटाने से मध्य प्रश्न रेखा पर एक लंबी सीधी सफेद सी डॉर्सल ब्लड वेसल्स दिखाई देती है, जो पिछले सिरे पर बंद होती है, अगले सिरे पर खुली रहती है। वह अगला सिरा दो भागों में बटा होता है, एक पल्सेटाइल पोर्शन जिसका नाम है हार्ट, दूसरा एंटीरियर एओर्टा। दो भागों में डिवाइड किया है टर्गा, जैसे अपन लोगों ने नेडल वगैरह से ऊपर का हिस्सा बताया, तो एक लंबी सी डॉर्सल ब्लड वेसल्स का एक हिस्सा बंद होगा और अगला हिस्सा खुला होगा। वो दो भागों में डिवाइड रहता है, तो धीरे धीरे मूवमेंट करता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, तो वो क्या कहलाता है? हार्ट। भाई हार्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, फैलना, ब्लड को आना, ब्लड को भेजना, चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं। आप वो समझ रहे हो कि नहीं, हीम धन ग्लोबिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसी से ऑक्सीजन आती है एक डिब्बे में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, एलएल मसल्स और डायफ्राम के द्वारा पहुंचती है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, इसमें क्या होता है? अल्प ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, माने पुअरली कमजोर होता है, इसलिए उसमें ज्यादा डीप नहीं जा सकते। ये वाले इंट्रोडक्शन की दृष्टि से ये बता देते, थोड़ा सा बात करते हैं रेस्पिरेशन की, छोटे छोटे टॉपिक है ये। रेस्पिरेशन कॉकरोच किससे करता है? स्पाइरिकल्स का नाम सुना हुआ, स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया, बुकलंग्स आदि से आर्थ्रोपोडा के जंतु रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया में हम आपको चित्र बताए देते हैं, देख लेना इसको, ट्रैकिया वाला फिगर जो होता है इस प्रकार का होता है, ये है ट्रैकिया। मैक्रोज और रेस्पिरेशन में ये ब्रांचेस होती है, देख लीजिए स्पष्ट, मसल्स होती है, स्पाइरिकल्स होते हैं, यहां पर ये छिद्र जिनके द्वारा ये ब्लड जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ये विभिन्न भागों, ये पेशियां हैं, ब्रंकियोल्स, ट्रैकिया से क्या नाम दे दिया, ब्रंकियोल्स, ब्रंकियोल सेल्स, ये पूरा चित्र है ये। इसका ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, और ट्रैकिया में 10 क्या होते हैं, स्पाइरिकल छिद्र होते हैं, प्रत्येक भाग सेगमेंट में जैसे जैसे 20 सेगमेंट होते हैं आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में, प्रत्येक स्पाइरिकल से ऑक्सीजन आएगी और जो ट्रैकिया में होगी, ट्रैकिया से जाकर के पेशियों में, शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होती रहती है। तीसरा एक और छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन हमने आपको एलिमेंट्री के एनालॉजी बताया था, कौन सा भाग होता है उत्सर्जन का आपको पता है? आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर में बताया था कि एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है मेल पीजियन नलिकाओं के द्वारा। मेल पीजियन नलिका है, ऐसे नहीं बताया था कि ये गुर्दे के रूप में निकली रहती है ये, और इनके अंतिम सिरे खुले रहते हैं और इनमें से उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। तो कुल मिला के उत्सर्जन कौन सा है? मेल पीजियन नलिकाएं जो हजारों संख्या में पाई जाती है। चित्र देख लेना, उसमें भी स्पष्ट दिखाई, चूंकि ये सब इनकम्प्लीट, हालांकि मेल पीजियन कंप्लीट है, लेकिन उत्सर्जी आगे क्या होता है? मेल पीजियन नलिकाएं। तो क्या क्या अभी अपन लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक पढ़े, अल्प विकसित ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन, और तीसरा क्या है? एक्सक्रीशन। अब इसके बाद अपन लोग थोड़ा सी बात करते हैं कंपाउंडाइज, कुछ किताबों में, नई किताबों में नहीं दिया है लेकिन चूंकि जानकारी जरूरी है। संयुक्त नेत्र अभी बड़ा टॉपिक है, संयुक्त नेत्र का मतलब होता है जैसे ये अपना अपनी आंख की संरचना आपने सुनी तो होगी, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल, ये तो तीन नाम है छोड़ो, लेकिन जो उभरा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है? कॉर्निया। उस कॉर्निया के पीछे ये हम लोग कुछ चीज बता रहे हैं, बाकी कंपाउंडाइज का मतलब क्या होता है? इसके निचले सिरे पर 2000 में नहीं होती, इनका नाम क्या है? फैसेट। ये सबसे मुख्य बात है, कंपाउंड आइज का मतलब है कि अपने कॉकरोच के जो आंख का निचला हिस्सा है वो 2000 से 3000 के बीच सेगमेंट बटा होता है, उस प्रत्येक पार्ट में जिसको वो देख रहा है उसकी इतनी ढेर सारी तस्वीरें आती, कोई सिर की, कोई हाथ की, कोई पैर की, उसके पीछे जाकर के एक पूरा क्या बन जाता है? स्ट्रक्चर बन जाता है। ये है कंपाउंड आइज का डिटेल, इसका अगले टर्न पर लेंगे, इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे, केवल एक इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं कि कल कंपाउंडाइज
और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड कॉकरोच। कंपाउंड आइस पढ़ेंगे और जनन अंग नर तथा मादा जनन अंग दोनों पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा क्या बताया था एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये कंपाउंड आइस कल पढ़ेंगे। कंपाउंड आइस का क्या है मुख्य टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।